अगर आप अपने बेबी को सॉलिड देना स्टार्ट करने वाले हैं या आपके बेबी की एज अभी 4 मंथ से 7 मंथ है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जब हम बच्चों को सॉलिड देना स्टार्ट करते हैं तो बच्चे के लिए यह एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है, क्योंकि अभी तक बच्चा केवल एक ही चीज़ ले रहा होता है और वो है ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क, और बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम भी अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है या हो रहा है। इसलिए बच्चों को सही एज पर सही फूड सही तरीके से खिलाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आगे चलकर बच्चों को खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है। बच्चा खाना खाने में रंजिश कर सकता है, बच्चे का वेट कम हो सकता है, बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है, बच्चे का डेवलपमेंट स्लो हो सकता है। इसलिए अगर हम स्टार्टिंग में बच्चों का को खाना खिलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चा अच्छे से खाना खाएगा, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, बच्चे का वेट अच्छे से बढ़ेगा और बच्चा हेल्दी रहेगा। इसलिए आज इस वीडियो में हम बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको अपने बच्चों के साथ जरूर फॉलो करने चाहिए। अगर आप बच्चों को सॉलिड देना स्टार्ट करने वाले हैं या आपने अभी बच्चों को सॉलिड देना स्टार्ट किया है उस केस में, तो दोस्तों शुरू करते हैं यह वीडियो। फर्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बच्चों को खाना देना कब से स्टार्ट करना चाहिए। तो अक्सर ये पेरेंट्स के माइंड में यह क्वेश्चन आता है कि हमें बच्चों को खाना देना 5th मंथ से या 6th मंथ से या 7th मंथ से देना स्टार्ट करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि 5.5 मंथ के आसपास बच्चे कुछ साइन देने लगते हैं, जिससे पता चलता है कि बच्चा सॉलिड लेने के लिए तैयार है। उसमें से मेन साइन है बच्चा सपोर्ट से बैठने लगा है और अपने हेड को कंट्रोल कर पा रहा है। इसका मतलब है कि बच्चे को आप खाना खिलाना स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड है, बच्चा खाने को देखकर खाने की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसे लेने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है, बच्चे का हेड और माउथ ऑर्डिनेशन अच्छे से होने लगा है। तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा खाना खाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर 6th मंथ से भी बच्चा सपोर्ट से नहीं बैठ रहा है या अपने हेड को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो इस केस में आपको बच्चों को तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसके बाद ही आपको बच्चों को खाना देना स्टार्ट करना है। और यह देखा जाता है कि कुछ पेरेंट्स 6th मंथ पर भी अपने बच्चों को सॉलिड देना स्टार्ट नहीं करते हैं, वह दूध ही बच्चों को देते हैं, जिससे आगे चलकर बच्चा खाना खाने में बहुत रंजिश करता है और दूध से बच्चों को पूरा न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाता है, जिससे बच्चों को कई डेफिशिएंसी होती है, जैसे विटामिन डेफिशिएंसी, कैलोरीज की कमी होना, बच्चों का वेट कम होता है। इसलिए सही एज पर बच्चों को खाना स्टार्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हमें बच्चों को कैसे खाना खिलाना चाहिए। तो बच्चा 0 to 6 मंथ तक ब्रेस्ट मिल्क और या फॉर्मूला मिल्क ही ले रहा होता है। और अब हम बच्चों को सॉलिड देना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम जो भी सॉलिड बच्चों को दे रहे हैं सेमी सॉलिड के फॉर्म में ही होनी चाहिए, प्यूरी के फॉर्म में होनी चाहिए और खाने की कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए जो कि दूध की कंसिस्टेंसी के आसपास हो। यानी जैसे दही को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो जो कंसिस्टेंसी होती है, ऐसे ही खाने की हमें कंसिस्टेंसी रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें बच्चों को क्या खाने को देना चाहिए। तो स्टार्टिंग में हम बच्चों को फ्रेश प्यूरी दे सकते हैं, वेजिटेबल की प्यूरी दे सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं, चावल का पानी दे सकते हैं, पतली खिचड़ी दे सकते हैं। यह सब चीज़ें आप बच्चों को खिला सकते हैं, जिससे बच्चा बहुत ही हेल्दी रहेगा। लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप केवल वेजिटेबल प्यूरी बच्चों को दे रहे हैं या केवल फ्रूट प्यूरी बच्चों को दे रहे हैं तो बच्चों को पूरी कैलोरीज नहीं मिलती है। इसलिए कोई अन्य बच्चों को देना ज़रूरी होता है, जैसे कि दाल, चावल और अगर खिचड़ी में हम थोड़ी सी वेजिटेबल ऐड कर देते हैं तो यह कंप्लीट मील हो जाता है बच्चों के लिए। और बच्चे का खाना बनाते समय आप देसी घी का यूज़ करिए, उसमें हल्दी डाल सकते हैं, दालचीनी डाल सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं, हींग डाल सकते हैं। फ्रूट्स में आप बच्चों को पल्पी फ्रूट देंगे वो सबसे अच्छा होता है, जैसे एप्पल, बनाना, पपीता, चीकू। और जूसी फ्रूट जो होते हैं उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इससे बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाता है, इसलिए जूसी फ्रूट बच्चों को देना अवॉइड करना चाहिए। आप बच्चों को बनाना प्यूरी दे सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसमें कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, बहुत ही अच्छी एनर्जी मिलती है। बच्चे के लिए बनाना प्यूरी बनाने के लिए आप एक बनाना लीजिए, उसमें आप 1/2 कप मिल्क मिलाकर और उसे हैंड ब्लेंडर से चला लीजिए या अच्छी तरह से मेस कर लीजिए। या आप बच्चों को एप्पल प्यूरी भी दे सकते हैं, एप्पल भी बहुत टेस्टी होता है, बच्चा इसे बहुत आराम से खाता है।
लेकिन एप्पल थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए आप पहले इसे 5 से 7 मिनट स्टीम कर लीजिए, उसके बाद हैंड ब्लेंडर से अच्छे से मेस कर लीजिए। बच्चा इसे बहुत ही चाव से खाता है। इसी तरह आप बच्चों को कैरेट प्यूरी भी दे सकते हैं, पोटैटो प्यूरी दे सकते हैं, स्वीट पोटैटो प्यूरी दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें बच्चों को कितना खाना देना चाहिए। तो 6th मंथ पर आप बच्चों को 80% ब्रेस्ट मिल्क देना चाहिए और 20% सॉलिड फूड देना है, और इसी की क्वांटिटी धीरे धीरे हमें बढ़ानी है। 1 ईयर पर बच्चा को पहुंचते पहुंचते 20% ब्रेस्ट मिल्क आपको देना है और 80% सॉलिड फूड बच्चों को देना है। और जब हम बच्चों का खाना स्टार्ट करते हैं तो 2 से 3 दिन तक एक ही खाना, मतलब सेम ही खाना हमें बच्चों को खिलाना है। स्टार्टिंग में हमें 1 से 2 स्पून बच्चों को देना है, फिर धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी को बढ़ाना है और 1 वीक तक दिन में 1 बार ही हमें बच्चों को खिलाना है। 2nd वीक में दिन में 2 बार हम बच्चों को खिला सकते हैं। और हमें इस चीज़ का भी चेक करना है, जब भी बच्चा नए खाना खाता है या हम उसे देना स्टार्ट करते हैं तो उससे बच्चों को कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है, इसलिए बॉर्डिंग के टाइम पर ही कोई नया खाना हमें बच्चों को देना स्टार्ट करना चाहिए। 6th मंथ पर दिन में 2 बार बच्चों को खाना देना है और 4 to 5 बार ब्रेस्ट मिल्क बच्चों को कराना है। अब बात करते हैं कि क्या चीज़ हमें बच्चों को नहीं खिलानी है। तो 1 ईयर से छोटे बच्चों को हमें नमक और चीनी नहीं देनी चाहिए, इसलिए बच्चों का खाना बनाते समय कुछ मसाले आप यूज़ कर सकते हैं जिससे बच्चे के खाने का टेस्ट थोड़ा एनहेंस होगा। जैसे कि आप दालचीनी यूज़ कर सकते हैं, इलायची पाउडर यूज़ कर सकते हैं, डेट्स का कद्दूकस करके आप यूज़ कर सकते हैं, इससे बच्चा आराम से खाएगा। 2nd है, आपको पैक्ड सरलेग यानी मार्केट का बना हुआ सरलेग बच्चों को नहीं देना है। ट्रैवलिंग के टाइम पर आप इसे बच्चों को दे सकते हैं, पर डेली बेसिस पर आप इसे बच्चों को मत खिलाइए क्योंकि इसमें चीनी मिली होती है और यह पैक्ड फूड है जो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट है, आपको बच्चों को बिस्किट भी नहीं देना है अगर आपका बच्चा 1 ईयर से छोटा है उस केस में। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।